नमस्कार दोस्तों, आज हम एकदम सरल भाषा में जानेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता की शुरुआत कैसे हुई। भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। हमने सुना है कि गीता के में हर प्रश्न का उत्तर है, चलिए जानते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय एक, इस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जरिया बनाकर सारे विषयों को गीता का उपदेश दिया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवश्चेय किम अकरोता संजया। धृतराष्ट्र कौरवों के पिता जो कि अंधे हैं, संजय जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त है जिससे वे महाभारत का युद्ध देख सकते हैं और धृतराष्ट्र को बता सकते हैं। धृतराष्ट्र पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की तैयारी में मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया। यहाँ कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि यह युद्ध केवल भूमि और शक्ति के लिए नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच था। संजय उवाच, दृष्ट्वा तु पांडवानिकम व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगमया राजा वचनम अवर्वीत। इस श्लोक में संजय राजा धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के युद्ध का हल बता रहे हैं कि जब दुर्योधन ने देखा कि पांडवों की सेना कितनी बलशाली है तो वह चिंता में आ गए और गुरु द्रोणाचार्य के पास सलाह लेने गए। यदि यह इस बात को दिखाता है कि दुर्योधन जो कि कौरवों का राजा है युद्ध की रणनीति और सेना की शक्ति को लेकर कितना चिंतित है। पश्चेताम पांडु पुत्राणाम आचार्य महतीम चमोम यूढ़ाम द्रुपदा पुत्रीणाम तवाशिष्णेय अधीमता। हे आचार्य, द्रोणाचार्य को संबोधित करते हुए पांडु पुत्रों अर्थात पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने व्यवस्थित किया है। अत्र सूरा महेश वासा भीम अर्जुन समायुधि युयु दानो विराटश्च द्रुपदश्च महान। यहाँ युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बलशाली और महान धनुर्धर हैं। युयुधान विराट और द्रुपद ये सभी महारथी हैं। धृष्टकेतुश्चेति कानन अर्जुनश्च वीर्यवान पुरोजित कुंती भोजश्च सेवश्च नरपुंगवः। संजय युद्ध के मैदान में पांडवों की सेना के प्रमुख योद्धाओं का वर्णन करते हुए बताते हैं कि पांडवों के पास धृष्टकेतु चेकितान काशी के वीर राजा पुरोजित कुंती भोज और श्रेष्ठ योद्धा सव्य जैसे महान योद्धा है। इन सभी का युद्ध योग्यता साहस महान है जो पांडवों की सेना को और भी शक्तिशाली बनाता है। युधा मनुष्य विक्रांत्य उत्तमो जाश्च वीर्यवान सुबोध्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एक महारथा। इस श्लोक में कुरुक्षेत्र युद्ध के कुछ महान योद्धाओं का वर्णन किया गया है। यहाँ पर श्रीकांत युधा मनु वीर्यवान उत्तमो जा सुबोध्रा के पुत्र और द्रौपदी के पुत्र इन सभी महान योद्धाओं का वर्णन किया गया है। अस्माकं तु विशिष्टाये तन्निबोधम द्विजो उत्तमा नायिका मम संज्ञार्थम तान ब्राह्मी थे। अब मेरे पक्ष के उन महान वीरों को जानो जो मेरी सेना के प्रमुख सेनानी हैं। तुम्हारे ज्ञान के लिए मैं उनके नाम बताता हूँ। भगवान भीष्माश्च कर्णश्च कृपश्च समीपित जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमाधातिश्च तथैव च। दुर्योधन इस श्लोक में द्रोणाचार्य को उनकी सेनाओं के प्रमुख योद्धाओं के नाम बता रहे हैं जिनमें द्रोणाचार्य स्वयं भीष्मकरण कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त शामिल हैं। अन्य च भव्य सूरा मध्यर्थे तख्त जीविता नाना शस्त्र प्रणा सर्वे युद्ध विशारदा। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को कौर सेना के प्रमुख योद्धाओं का वर्णन करते हुए बता रहे हैं। अन्य और भी वीर योद्धा हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीवन को त्याग दिया। ये सभी अनेक प्रकार के सशस्त्रों से कुशल हैं और युद्ध की सभी तकनीकों में निपुण हैं। है पर्याप्तम तदमाकम बल भीषम अभिरक्षितम पर्याप्तम तविदमे तेषाम बलम भीमा भिरक्षितम। इस श्लोक में दुर्योधन यह स्वीकार करते हैं कि कौरव सेना भीष्म जैसे महान योद्धा के होते हुए भी
पर्याप्त नहीं है यानी कि असमर्थ है, जबकि पांडव सेना भीम द्वारा सुरक्षित होते हुए भी पर्याप्त है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्म एव भीरक्षेन्तु भवन्तः सर्व एतैः। इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना को निर्देश दे रहे हैं कि सभी सेनाओं को अलग अलग भागों में वितरित होकर भीष्म पितामह की रक्षा करनी चाहिए। सेना को यह भी बताया जा रहा है कि भीष्म पितामह का समर्थन उनके लिए अत्यंत आवश्यक है। तस्य संजयन हर्षम कुरु विरदय पितामह सिंहम नादम विंध्यो चय शंखम दद्मौ प्रतापवान। कौरवों की सेना के लिए भीष्म पितामह ने सिंह की भांति गर्जना की और ऊंचे स्वर में यानी बहुत तेज शंखनाद किया। भीष्म पितामह ने अपनी सेना में उत्साह भरने के लिए शंख की तेज गर्जना की। ततः शंकाश्च भैर्यश्च पणवान का गोमुखा साहसेवैया भयाहन यंता से शब्द स्तुमूलो भवत। युद्ध को आरंभ करने के लिए विभिन्न वाद यंत्रों की ध्वनियां युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी। जब युद्ध आरंभ हुआ तब शंख भेरिया प्रणव आनक और गोमुख जैसे विभिन्न वाद यंत्र एक साथ जोर जोर से बजने लगे और उनकी आवाज़ बहुत तेज हो गई। ततः श्वेत युक्ते मैथि सेन धनेश दीतऊ माधव पांडश्च दिव्यौ शंखौ प्रदत्तमतु। उसके बाद सफ़ेद घोड़ों से जुते हुए विशाल रथ में खड़े हुए माधव और पांडव ने अपने दिव्य शंख बजाए। पंजनियम हर्षि केशो देवदत्तंजय पौंड्रम दद्मयो महाशंखम भीमा कर्मो वरकद्र। भगवान श्री कृष्ण ने अपने शंख पंजन्य को बजाया, अर्जुन ने अपने शंख देवदत्त को और भीम ने अपने शंख पौंड्रम को बजाया। यहाँ इन दिव्य शंखों का बजना सेना का मनोबल बढ़ाना और उनको युद्ध की शुरुआत के लिए तैयार करना है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषा मणिपुष्पक। राजा युधिष्ठिर जो कुंती के पुत्र हैं उन्होंने अनंत विजय नामक शंख को बजाया। उनके भाई नकुल और सहदेव ने भी अपने सुघोष और मणिपुष्पक शंखों को बजाया। काश्यश्च परमेश वासः शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च अपराजिता। राजा काश्य जिन्होंने अपने परमेश वास नामक संघ को बजाया और महारथी योद्धा शिखंडी ने भी अपने संघ को बजाया। इसके अलावा धृष्टद्युम्न राजा विराट और सात्यकी ने भी अपने संघों को बजाया जिनको कोई पराजय ही नहीं कर सका। द्रुपदो द्रुपदायश्च सर्वश्च प्रतिविप्ते सौभद्रश्च महाबाहु शंखं दद्मु पृथक् पृथक्। राजा द्रुपद और उनके पुत्र द्रौपदे जिन्होंने अपने शंखों को बजाया सभी दिशाओं में युद्ध की तैयारी की। इसके अलावा सुभद्र जिनके बड़े बाहु थे उन्होंने भी अपने शंख को बजाया। इन सभी योद्धाओं ने अपने अपने शंखों को बजाकर युद्ध की शुरुआत का संकेत दिया। सघोषो धृतराष्ट्राम हृदयानि व्याधरात् नभश्च पृथ्वीं च तुमूलो भयानुदयन। युद्ध को आरंभ करने के लिए दोनों पक्षों ने अपने अपने शंख बजाए। शंखों के बजने की ध्वनि इतनी भयानक थी कि धृतराष्ट्र के पुत्रों यानी कौरवों का हृदय व्याकुल हो गया। इस ध्वनि से आकाश और पृथ्वी गूंजने लगे थे। अथा व्यवस्थितान दृष्टवा धृतराष्ट्रान कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रा संपत्ते धनुरुद्म पांडवा हरीश केशव तदा वाक्यम इदमा महीपते। अर्जुन जो कि पांडवों में से एक है अपने रथ के ध्वज पर कपि अर्थात हनुमान का चिन्ह लगाए हुए हैं। जब उन्होंने देखा कि कौरवों की सेना पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार है उन्होंने अपने धनुष को उठाया। अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों गुरुओं मित्रों को दूसरी ओर खड़ा देख रहे थे। उनके मन में युद्ध के प्रति शंका पैदा हो रही थी, कई तरह के विचार उमड़ रहे थे और वह श्री कृष्ण से इस परिस्थिति में कुछ कहना चाहते थे। सैन्योर उभयोर मध्य रथम स्थापया मेच्युतिया यावदे ताने रक्षे योधु कामान अवस्थितान केरमाया स योद्धव्यम अस्मिनवम समुदमे। अर्जुन श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं, हे कृष्ण कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में रोक दो, मुझे यह देखना है कि किन किन योद्धाओं से मुझे युद्ध में लड़ना है। योद्ध से मानान वेग से हम या एत्रेत स्मागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्भेदवेर युद्धे प्रिया चिकित्सव।
अर्जुन कहते हैं, उन योद्धाओं को देखना चाहता हूँ जो इस युद्ध में धृतराष्ट्र के बुरी बुद्धि वाले पुत्र के पक्ष के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। एव मुक्तो हर्षि केशो गुड़ा केशन भारत सेन्योर उव्योर मध्य स्थापित व्यार रथो उत्तम। जैसा कि अर्जुन ने कहा था, हे कृष्ण मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। इस प्रकार कहे जाने पर हर्षिकेश यानी श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेशां च महीक्षितां उवाच पार्थ पशितान समवेतान कुरुनीति। भीष्म द्रोण और अन्य राजाओं के सामने खड़े होकर श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ हे अर्जुन देखो ये सभी कौरवों के पक्ष में खड़े हैं। तत्व पश्यत स्थितान पार्थ पितृनता पितरामान आचार्यन मथुरन बारात्रीन पोत्रन सखीस तथा स्वासुरन सहर्ताश्चैवसेनार्युयोर अपि। जब अर्जुन ने दोनों सेनाओं में खड़े हुए अपने पितरों पितामहों आचार्यों मामा भाइयों पुत्रों पोत्रों सखाओं ससुरों और मित्रों को देखा तो वह भावनाओं से भर जाता है। वह सोचने लगता है कि क्या अपने ही सगे संबंधियों के विरुद्ध युद्ध करना उचित है। तान समीक्षा च स कांत्य सर्वान बंधुन अवस्थितान कृपया प्रियाभीष्टो विशिदानी दम अबरवीत। जब अर्जुन अपने बंधुओं रिश्तेदार और मित्रों को युद्ध के लिए तैयार देखता है, यह नज़ारा अर्जुन के मन में करुणा और दुख को भर देता है। यह सब देखकर अर्जुन का मन विचलित हो जाता है और वह अपने कर्तव्य और धर्म को लेकर संदेह में पड़ जाता है। अर्जुन आवाच दृष्ट्वेवं सौजन कृष्ण युरुत्सम सम उपस्थितम सिद्धंती ममा गत्राणी मुखम च प्रीशुर्यति। हे कृष्ण जब मैं इन अपने सौजनों को युद्ध के लिए तैयार देखता हूँ तो मेरे शरीर के अंग ढीले पड़ जाते हैं और मेरा मुख सूख जाता है। वेप्तुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीव सत्रस्ते हस्तवक चैव परिदाहयते। मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और मेरी त्वचा भी जल रही है। मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा, मुझे चक्कर आ रहे हैं। न च सकन्यो मे अवस्थातुं भर्मातिवाश्च न के मना निमितानि च पश्यन्ति विपरीतानि केशव। हे कृष्ण मैं यहाँ खड़ा नहीं रह सकता, मेरे मन का संतुलन बिगड़ रहा है। मैं विपरीत संकेत देख रहा हूँ, मैं इस युद्ध के नकारात्मक परिणामों को देख रहा हूँ। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा सौजनम आवे न कांस्यस्य विजयम कृष्ण च राजम सुखानिचार। अर्जुन अपनी दुविधा को बताते हुए कह रहे हैं कि मैं अपने सौजन को इस युद्ध में मारकर कोई लाभ नहीं देख सकता, मुझे विजय की इच्छा नहीं है, कृष्ण न ही राज्य की और न ही सुखों की। किम नो राजेन गोविंद किम भोगेर जीवित है ना वा ऐसा मारते कांसितम नो राजम भोगा सुखानिच ता इमे अवस्थिता युद्धे परिणामश्च त्यक्त्वा धनानी च आचार्य पितर पुत्रास्तथैव च पितामह। हे गोविंद राजभोग क्या है, जिनके लिए हम राजभोग और सुख चाहते हैं वे लोग युद्ध में अपने प्राण और धन त्याग चुके हैं। आचार्य पिता पुत्र पितामह मामा पोते बहन के पुत्र अन्य संबंधी ये सभी युद्ध में लगे हुए हैं। मातुला सुरा पोत्रा श्याला संबंधिन तोता एतानी हम तो मिछामी दंतो अपि मधुसूदना अपि त्रिलोकापराजस्य के होतो किम नु मही कुते निहत्या धार्तराष्ट्रान का प्रीति हश्चार्ज जनार्दना। मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता, भले ही उनका त्याग करने से मुझे कोई लाभ न हो। यदि मैं त्रिलोके के राज्य का स्वामी भी बनूं तो भी मैं धृतराष्ट्रों को मारकर कोई सुख नहीं भोग सकता। पापम एवा सरियेत अस्मान हत्वेतान अतात हीना तस्मान नरहा वयम हंतुम धार्तराष्ट्रान से बांधवान सौजन ही कथम हत्वा सुखीन श्याम माधवा। यदि हम इन आक्रमणकारियों को मारते हैं तो पाप हम पर हावी हो जाएगा, इसलिए हमें धार्तराष्ट्र के पुत्रों को अर्थात हमारे बंधुओं को मारना उचित नहीं है। हे माधव अपने ही सौजन को मारकर हम सुखी कैसे रह सकते हैं। इद्याप्यते न पश्यन्ति लोपाता चेत् स कुलक्ष्य कृत दोषम मित्र दोहे च पातकम
कथम न जनेयम अस्माभिमा पापाद आसमान निवारती तुम कुलक्षया कृतम दोषम पप्यादीर जिनार्दना। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि उनके विरोधी जो लोभ के कारण अंधे हो गए हैं, परिवार के विनाश और मित्रों के साथ विश्वासघात में कोई दोष नहीं देख रहे हैं, लेकिन अर्जुन और उनके साथी इस पाप को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और इसे करने से पीछे हटने का प्रयास कर रहे हैं। कुलाक्षे परिष्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो अभिभूतयुता। युद्ध में कुल के नाश से कुल का सनातन धर्म समाप्त हो जाएगा। धर्म के नष्ट हो जाने से पूरे समाज में अधर्म बढ़ जाएगा। अधर्म अभिभवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुला स्त्रिय स्त्रीषु दुष्टा वार्षनेया जायते वर्णा संस्कार। अधर्म बढ़ने से कुल की अर्थात परिवार की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। स्त्रियों के दूषित होने से जातियों का मिश्रण पैदा हो जाएगा। अर्थात युद्ध केवल शारीरिक विनाश ही नहीं लाता बल्कि समाज की नैतिकता को भी नुकसान पहुंचाता है। संकरो नारकेव कुल अधंदानम कुलस्य च पतयन्ति पितरौ हेषां लुप्ता पिण्डकोदका किया। वर्ण संकर से परिवार नष्ट और कुल के लिए नरक निश्चित होता है। उनके पूर्वज अर्थात पितृपिंडदान और जल अर्पण के अभाव में गिर जाते हैं। अर्थात युद्ध का प्रभाव वर्तमान पीढ़ी पर ही नहीं बल्कि पूर्वजों पर भी पड़ता है। दोषे रियते कुल धनाम वर्ण संकर कार के है उत्साह अंते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। कुल जातियों के द्वारा उत्पन्न वर्ण संकर के दोषों से जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्ना कुल धर्माणा मनुष्याणा जनार्दना नरके नियतम वासो भौतीत्य अनुसुश्रम। हे जनार्दन, जिन मनुष्यों के कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उनका निश्चित रूप से नरक में वास होता है, ऐसा हमने अपने पूर्वजों से सुना है। अहोवत महत पापम कुरुतम व्यवस्थिता वयम यत्र रज्जा सुखा लोभेन हंतुम सावजनम उदीयते। अहो, यह कितना बड़ा पाप है कि हम राज्य और सुख के लोभ में अपने ही परिवार और प्रियजनों को मारने की बात कर रहे हैं। यदि माम अप्रतिकरम सशस्त्रम शस्त्रपण्यम धातराष्ट्र रणे हन्युस्तने सेमत्रम भावेत। इस श्लोक में अर्जुन अपनी आत्मसमर्पण की भावना व्यक्त करते हुए कहते हैं, यदि धातराष्ट्र को सशस्त्र लोग अर्थात कौरव के सशस्त्र लोग मुझे बिना प्रतिकार के और बिना हथियार के मार डाले तो वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। एव मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ्या उपाविशत विसर्ज्य संसरण चापम शोक संविंगना मानसः। यह सब कहकर अर्जुन युद्ध भूमि में युद्ध न करने का निश्चय करते हुए अपने रथ में पीछे बैठ गए, अपना धनुष बाण त्याग दिया और उनका मन दुखी और विचलित हो गया। यह सब अर्जुन की भावनात्मक स्थिति को दिखाता है। इसी के साथ हमारा श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय एक पूरा होता है। अगर आपको इस हमारे इस गीता ज्ञान की खोज से थोड़ा सा भी ज्ञान का अनुभव हुआ हो तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।